कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने विधायक मलिंगा के खिलाफ अश्लील भाषा गाली गलौज के साथ दी धमकी को लेकर आमजन में आक्रोश। बाड़ी की प्रमुख खबर। कुख्यात बदमाश रहे जगन गुर्जर ने एक वीडियो वायरल कर बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी है। साथ में वर्तमान और पूर्व एसपी पर भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर आज बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा ने अपने ऑफिस पर मीडिया से वार्ता की और बताया कि बदमाश जगन गुर्जर चाहे कुछ भी करे, उसे बाड़ी के बाजार में आतंक नहीं फैलाने दिया जाएगा। विधायक ने एसपी सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री पर होने के चलते उनसे भी पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सख्त कदम उठाने की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व बाड़ी के बाजार में आकर बदमाश गुजगन ने कुछ दुकानों पर लूटपाट की थी, जिस पर विधायक ने पुलिस से सख्त कार्रवाई कराने और शहर में किसी प्रकार की दहशत नहीं फैलाने इसके प्रयास करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद बदमाश जगन गुर्जर ने यह वीडियो वायरल कर विधायक के खिलाफ अशिष्ट भाषा में अभद्र गाली गलौज का प्रयोग करते हुए धमकी दी है। डकैत जगन का धमकी भरा गाली गलौज से भरपूर वीडियो वायरल होने के बाद बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण धौलपुर जिले में आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, रजक समाज, कुशवा समाज सहित अनेक समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने विधायक मलिंगा को दी गई धमकी एवं अभद्र भाषा का तीव्र विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। वैसे ये आए दिन बाजार में भारी रहते हैं, गुंडागिरी करते हैं, लूट खसूट करते हैं। इनकी लूट खसूट और गुंडागिरी मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। ये ऐसे जगह 1000 पैदा हो जाए, अगर इसकी माना दूध पिला जाए तो ये जगह रखे ना ही और चेलन रखे ना ही आ जाएगा। कहाँ जी मत नहीं करेगा मेरी से। इसकी बंदूक में से गोली निकलेगी, मेरी में से पानी नहीं निकलेगी। इसकी माना दूध पिलाया तो चेलन रखे और जगह रखे। ये मोबाइल पर गाली बख से क्या होता है कि गाली बख दो मोबाइल पर और फिर उसको वायरल कर दो, यही लिख के नहीं है। इसमें के भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुजर हैं, वो सारी हरकतें जो कराते हैं, वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं। उसने खुला चैलेंज दिया कि डांग में आकर नहीं देखे, डांग में वो बतावे मैं कौन सी जगह और कौन सी तारीख को मुझे कहाँ पर आना है, मैं उसी जगह पर डांग में आ जाऊँगा। जहाँ वो टेम उसका होगा और आना मेरा होगा। टेम वो बतावे मुझे मैं कौन से दिन डांग में आना और किस गाँव में आना है, किस जगह पर आना, मैं उसी जगह पर आकर नहीं दिखाऊँ। और वो अपने बाप का पैदा नहीं है अगर वो उस जगह पर नहीं आया था। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसी शख्स ने बाड़ी के विधायक भाई गिरिराज सिंह मलिंगा जी और कुछ सामाजिक सम्मानी लोगों के परिवार के प्रति बड़े ही अशोभनीय, निंदनीय और गलत भाषा का दुरुपयोग किया। बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनको सुन के सभी समाज को बड़ी तकलीफ हुई। मैं मानता हूं कि राजनीतिक मतभेद होते हैं, व्यापारिक मतभेद होते हैं, लेकिन प्रतिरोध जब इंसान करता है तो सामाजिक मर्यादा के ध्यान रख के करता है। पुलिस प्रशासन ने मलिंगा जी से कहा है, जैसा मैंने सुना है पढ़ा है, कि वो सुरक्षा ले लें, और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। एसपी साहब और राजस्थान की सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से भाई गिरिराज सिंह मलिंगा जी को जानता हूँ। मेरे उनके पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बहुत आत्मीयता से हैं। वो निडर इंसान है, वो अपने को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन क्या यह खाना पूर्ति नहीं करे पुलिस? बात सुरक्षा मलिंगा जी की या किसी और की नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। किसी की बहन बेटी को, माँ को, परिवार को गाली देना और इस तरह की अशोभनीय भाषा का उपयोग करना समाज को असुरक्षित महसूस करता है। एसपी साहब, राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की है और जिसके गृह मंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब समाज में लोगों को किसी भी परिवार के प्रति इस तरह भाषा का उपयोग करते हुए, भय दिखाते हुए, खौफ दिखाते हुए, क्षेत्र की जनता द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जगन गुर्जर जो पूर्व में डकैत रहे उनके द्वारा गिरिराज सिंह मलिंगा जो विधायक हैं हमारी, उनको
धमकी दी गई है, उसके संबंध में लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसको आवश्यक कार्रवाई हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, एवं पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नहीं चलेगी गुंडागर्दी।